आज ही के दिन 1955 में मशहूर शास्त्रीय संगीत के गायक डीवी पलुस्कर का निधन हुआ था। मात्र 10 वर्ष की उम्र में पलुस्कर ने पंडित विनायक राव पटवर्धन और पंडित नारायण राव व्यास से शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा ली थी। इन्होंने पंजाब में हुए हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में अपनी गायकी की पहली प्रस्तुति दी थी। विरासत में इन्हें ग्वालियर घराना और गंधर्व महाविद्यालय मिला था, लेकिन पलुस्कर अन्य घरानों और शैलियों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। डीवी पलुस्कर शास्त्रीय गायक के अलावा भजन गायक के रूप में भी मशहूर हुए थे। 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा में उस्ताद आमिर खान और डीवी पलुस्कर की जुगलबंदी को खूब पसंद किया गया। 1956 में आज ही के दिन हंगरी की क्रांति के दौरान प्रदर्शनकारियों और सोवियत सेना के बीच भीषण लड़ाई शुरू हुई थी। हंगरी के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरे नेगी ने जारी लड़ाई के तीसरे दिन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सबसे भीषण लड़ाई हुई, जिसमें करीब 5,000 लोगों के मारे जाने की खबर थी। प्रधानमंत्री नेगी को पिछले वर्ष उनकी उदारवादी नीतियों की वजह से पद से हटा दिया गया था, लेकिन दो दिन पहले ही कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने प्रदर्शन और विद्रोहों को शांत करवाने के लिए उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया था। प्रदर्शनकारी आर्थिक सुधार और सोवियत टैंकों को हटाने की मांग कर रहे थे। इमरे नेगी ने इन मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। हंगरी में आंदोलन में करीब 1,00,000 छात्रों और कामगारों ने राजधानी की सड़कों पर लोकतंत्र के समर्थन में रैली की थी। पुलिस ने गोलीबारी के जरिए भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया तो सरकार ने सोवियत टैंकों को सड़कों पर उतारने का आदेश दे दिया था। आज के दिन 1994 में इसराइल और जॉर्डन के बीच शांति समझौता हुआ था। 46 साल से जारी युद्ध को इसराइल और जॉर्डन ने आपसी सहमति से खत्म करने का फैसला लिया था। इसराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यिट्साक रेविन और जॉर्डन के सुल्तान हुसैन ने शांति समझौते पर दस्तखत किए थे। इस ऐतिहासिक समझौते पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी मौजूद थे। करीब 5,000 मेहमानों की मौजूदगी में इस संधि को विश्व भर में टीवी पर प्रसारित किया गया था। हालांकि इस मौके पर तत्कालीन फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात को निमंत्रण नहीं दिया गया था। इस समझौते के साथ ही जॉर्डन मिस्र के बाद इसराइल के साथ रिश्ते सुधारने वाला दूसरा अरब मुल्क बन गया था। 1979 में मिस्र ने इसराइल के साथ शांति की स्थापना की थी। दक्षिण पंथियों को छोड़कर इजरायली नागरिकों ने इस समझौते का स्वागत किया था और देश की संसद नेसेट ने इसे बहुमत से पारित किया था। हालांकि फिलिस्तीनी नागरिक इस समझौते से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि समझौते में उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके बाद फिलिस्तीनियों ने संधि के खिलाफ यरूशलम और पश्चिमी तट के इलाकों में आम हड़ताल और प्रदर्शन कर अपना विरोध जाहिर किया था। आज के दिन 2015 में उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप के झटके को दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी महसूस किया गया था। राजस्थान के कई हिस्सों में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप में करीब 398 लोगों के मारे जाने की खबर थी, जबकि 2,536 लोग घायल हुए थे। अफगानिस्तान के तखार प्रांत में भूकंप के बाद एक स्कूल में मची भगदड़ में 12 बच्चों की मौत हो गई थी। हिंदूकुश पर्वतों को संस्कृत में पारियात्र पर्वत के नाम से जाना जाता था। जब इस क्षेत्र में सम्राट सिकंदर ने युद्ध जीता था तो इन पर्वतों को यूनानी भाषा में कोकासोश इंदिकोश नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे इन पर्वतों का नाम बदलते बदलते हिंदूकुश हो गया। हिंदूकुश पामीर पर्वतों से जुड़ते हैं और हिमालय की उपशाखा माने जाते हैं। यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई काफी अधिक है, इसके बावजूद यहाँ लोगों का आना जाना काफी पुराने समय से बना हुआ है।